हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर सांभर और इडली की रेसिपी अपलोड की थी। आप में से कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं मसाला डोसा की रेसिपी भी लेकर आऊं, तो आज मैं मसाला डोसा की रेसिपी लेकर आई हूं और इसके साथ मैं नारियल की एक तीखी और स्पाइसी चटनी बनाने वाली हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो देखते रहिए और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले डोसा बैटर के लिए चावल और दाल को मैं भिगो कर रखूंगी। ये मैंने एक जैसी चार कटोरियां ले ली हैं। इसमें मैं 2 कटोरी राइस ऐड करूंगी और 1/2 कटोरी दाल है और 1 टेबलस्पून मैंने चने की दाल ली है। इसमें मैं 1 टीस्पून मेथी दाना डाल रही हूँ। ये मैंने बासमती चावल यूज़ नहीं किया है, ये नॉर्मल राइस हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इन सभी को एक साथ मिक्स करके इन्हें अच्छे से 2-3 बार वॉश करके मैं ओवरनाइट पानी में डिप करके रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और इन्हें ग्राइंड करने में इजी हो। ये देखिए, मैंने इसे 10 घंटे भिगोने के बाद मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना लिया है। बहुत फाइन पेस्ट मैंने नहीं बनाया है, स्लाइटली सा कोरसली पेस्ट बना है और इसे अब हम फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। अब समर सीजन है तो इजीली 10 से 12 घंटे में फर्मेंट हो जाता है। अगर विंटर सीजन हो तो आप इसे किसी गर्म कपड़े में फोल्ड करके रख सकते हैं, तब ये 15 से 16 घंटे में फर्मेंट हो जाता है। ये देखिए, मैंने ये 10 से 12 घंटे इसे फर्मेंटेशन के लिए रखा था और इसमें बहुत ही अच्छी एयर बबल्स बन गए हैं। ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। इस बैटर को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये इजीली 1 वीक तक ख़राब नहीं होता, इसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम रहता है। मैं यहाँ 1/2 बैटर यूज़ कर रही हूँ और 1/2 मैंने डीप फ्रीज कर दिया है। बस सॉल्ट में जितना मुझे यूज़ करना है मैं उतने ही बैटर में सॉल्ट ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो थिक है थोड़ी सी ठीक हो जाए। ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे मैं साइड पे रख दूंगी और तब तक मसाला आलू बना लूंगी। एक पैन में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने और 1 टीस्पून मैं इसमें सरसों ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने दाल ली है, 1/2 टीस्पून चने की दाल ली है, 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड किया है। इसे मैं स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से सॉटे कर लूंगी। एक टीस्पून जीरा भी ऐड किया है मैंने, इसे भी अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। और 1 पिंच हींग भी डाल रही हूँ मैं, इसका भी आलू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस इसे लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से भून लेंगे। और अब मैंने इसमें एक बड़ा अनियन स्लाइस्ड ऐड किया है। अनियन को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट होने तक ही इसे पकाना है। बस लो मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे स्टर करते हुए थोड़ा सा पका लूँगी। और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है मैंने और इसे भी मैं अच्छे से पका लूँगी।
ताकि हल्दी अपना कलर अच्छे से छोड़ जाए। डोसे के मसाला आलू थोड़े येलोइश साइड में ही होते हैं, इसलिए मैं इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये मैंने हाफ टी स्पून सांभर मसाला ऐड किया है, ये मार्केट का सांभर मसाला है। वैसे अपनी मैंने सांभर के वीडियो में अपने होममेड सांभर मसाला की रेसिपी भी अपलोड की थी, आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने हाफ टी स्पून गरम मसाला भी ऐड किया है। अब ये मैं चार बड़े बॉयल्ड आलू को मैश करके डाल रही हूँ, इन्हें मैंने रफली मैश कर लिया है बस। और मैं धनिया भी इसी वक्त ऐड कर दूंगी, इससे आलू को पकते समय बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। और अब इसे अच्छे से मिक्स दूंगी ताकि आलू के ऊपर सारे मसाले कोट हो जाएं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे आलू के ऊपर अच्छे से मसाला इवनली कोट हो जाए और आलू थोड़े से मशी हो जाएं ताकि डोसे के अंदर इजीली स्प्रेड हो सकें। बस इन्हें 2-3 मिनट तक मैं स्लो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह पका लूँगी। ये देखिए ये काफ़ी मशी हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब मैं चटनी बनाऊंगी। अगर आप तीखा और चटपटा खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स, तो ये चटनी आप ही के लिए है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने ये कच्चे नारियल की मलाई ली है, जी हाँ, जो नारियल पानी हम पीते हैं ग्रीन वाला, उसकी मैंने मलाई निकाल ली है। और ये मैं हाफ नारियल की मलाई ले रही हूँ, नियर अबाउट हाफ कप मैंने ये भुने हुए चने लिए हैं और थोड़ी सी मैंने इमली ऐड की है। 2 हरी मिर्चें ले रही हूँ मैं, आप चाहें तो 1 हरी मिर्च डालें। मेरी चटनी काफ़ी स्पाइसी बनी थी, अगर आप बहुत तीखा नहीं खाते हैं तो आप 1 ही हरी मिर्च ऐड करें। और इमली की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस सिंपली इसे मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इन्हें अच्छे से पीस लूंगी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल आप पे डिपेंड करती है, मैं इस तरह की थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी वाली चटनी बनाई है। आप चाहें तो इस वक्त इसमें पानी और ऐड करके या दही भी ऐड कर सकते हैं, इससे ये थोड़ी थिन हो जाएगी। इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और मैं इसमें आप तड़का दूँगी। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने तड़का पैन में, 1 टीस्पून मैंने सरसों ली है, 1/4 कड़ी पत्तों को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है और सूखी 3 से 4 लाल मिर्ची है, इन्हें भी मैंने तोड़ लिया है। बस इन्हें अच्छे से फ्राई करके मैं चटनी के ऊपर पोर कर दूंगी। ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बस इसे अच्छे से एक मिक्स दूंगी और ये चटनी बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने डोसे बना लेंगे। आज मैं नॉनस्टिक तवे पे डोसा बनाने वाली हूँ। इसमें मैं सबसे पहले तवे को अच्छे से गर्म करूँगी ताकि इसमें धुआं निकले। ये देखिए आप, अच्छे से धुआं निकल रहा है। और अब मैं फ्लेम लो कर दूँगी और इसमें पानी के छींटा डालूँगी ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। और अब मैंने इसे वाइप से, टिश्यू पेपर से वाइप ऑफ कर लिया है। और अब मैंने ये डोसे का बैटर लेकर इसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप 2-4 डोसा बनाएंगे तो आपको इजीली आपका ये डोसा स्प्रेड हो जाएगा। बस इसकी ट्रिक यही है कि आप पहले सेंटर में अच्छे से ग्रिप बनाकर स्प्रेड करें बैटर को, देन आप उसके बाद बाहर की तरफ इसे फैलाएं।
इसे 1-2 मिनट तक मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और उसके बाद मैंने ये 1 से 2 टीस्पून इस पे ऑयल स्प्रिंकल किया है। इसे आप बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाएं, लो मीडियम फ्लेम पर डोसा अच्छे से क्रिस्प हो जाता है और काफ़ी कुरकुरा बनता है। तवे को मैं एडजस्ट कर रही हूँ मेरी फ्लेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर तरफ से पक जाए ये डोसा। बस ये इस वक्त देखिए काफ़ी ये एक तरफ से ब्राउन हो गया है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और ये देखिए बिल्कुल इजीली ये डोसा तवे से अलग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। जैसे ही ये कुक होगा ये इजीली अपनी साइड्स छोड़ देगा और तवे से उतर जाएगा। बस अब मैं इसमें आलू की फिलिंग करूंगी और इसे फोल्ड कर दूंगी। मैं आयरन तवा पर भी डोसा बनाती हूँ फ्रेंड्स, इसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगी। जो लेफ्ट ओवर डोसा बैटर मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया है उसकी कुछ नई 2 रेसिपीज़ मैं लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। अब मैं क्विकली आपको जल्दी से एक और डोसा बनाकर दिखाती हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से मैंने पानी का छींटा दिया है और उसके बाद टिश्यू से वाइप ऑफ किया है। शुरू में मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी इसे और उसके बाद ऑयल स्प्रिंकल करूंगी। थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो ये इजीली साइड्स छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बट फिर भी अगर आपका डोसा चिपकता है तो आप अनियन को हाफ कट करके तवा के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसे रब कर दीजिए, आपके डोसे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और इजीली बन जाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी मार्केट जैसा डोसा बनता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली रेसिपीज़ को मिस ना कर पाएँ। तो मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।